ब्रांड इंडिया पर दुनिया के भरोसे का फायदा उठाएं फार्मा क्षेत्र, पीएलआई स्कीम पर वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन, विनिर्माण बढ़ाने के लिए गुणवत्ता पर दिया जोर, कहा 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना सरकार की प्रतिबद्धता, 5 साल में $520 बिलियन के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ने जारी की 291 उम्मीदवारों की सूची, 51 महिला उम्मीदवारों को टिकट, तमिलनाडु में AIADMK ने जारी की 6 उम्मीदवारों की पहली सूची, मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी इडापड़ी से लगाएंगे चुनाव। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किया 70 उम्मीदवारों का ऐलान, माजुली विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा को जालुकबारी से दिया गया टिकट, एनडीए के सहयोगी असम गण परिषद को 26 और यूपीपीएल को 8 सीटें। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और नए उद्यमियों को सलाह देने में सक्रिय भूमिका बढ़ाए उद्योग जगत, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कारोबार जगत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को बताया बड़ा अवसर, कहा व्यवसायी समुदाय की साख पर धब्बा लगाने वालों का हो बहिष्कार। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित, प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय से की व्यवहार में बदलाव लाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की अपील।